हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो कि मैंने कमेंट से पिक किए हैं। तो आज मैं 6 या 7 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि एक्चुएटर किस लाइन पे लगाया जाता है। एक्चुएटर जो एक मोटराइज बल्ब है जिससे कि हम पानी के लाइन को क्लोज या ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब कि हम उसे फुल्ली क्लोज भी कर सकते हैं, फुल ओपन भी कर सकते हैं, या फिर 30% या 50% जितना भी क्लोज करना चाहे हम उसे क्लोज कर सकते हैं। एक्चुएटर जो कि आपको HU, फैनकुल यूनिट इन सब जगहों पे मिल सकता है, ये लगाया जाता है पानी के सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। ये आपको HU में रिटर्न लाइन पे लगा हुआ मिलेगा। ये रिटर्न लाइन पे लगाया जाता है कि पानी का जो रिटर्न प्रेशर है उसे कम कर ठंडा को कम किया जा सके, क्योंकि पानी का फ्लो जितना तेज़ होगा HU उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। जब रिटर्न लाइन का पानी ज़्यादा तेज़ी से बाहर नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, उतने तेज़ी से जो सप्लाई वाटर है वो HU के अंदर इन नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि मोटराइज बल्ब क्या है। तो मोटराइज बल्ब जैसे कि सोलेनॉइड बल्ब है, एक्चुएटर है, ये भी एक मोटराइज बल्ब है। मोटराइज बल्ब हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो मोटराइज बल्ब हम HU में, फैन कोयल में, चिलर में आपको मोटराइज बल्ब फ्रियोन के लाइन पे भी देखने को मिल सकता है। पैकेज AC में भी आपको जो सोलेनॉइड बल्ब होता है वो आपको फ्रियोन के लाइन पे देखने को मिल सकता है, लिक्विड लाइन पे। और लिक्विड लाइन पे मोटराइज बल्ब चिलर में भी यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन बल्ब का जो प्लेस होता है उस जगह पर हम मोटराइज बल्ब को भी यूज़ करते हैं। मोटराइज बल्ब जो होता है इसका काम करने का 2 तरीका है। एक तो लाइन को फुली क्लोज करना, मतलब एक जो डिज़ाइन है मोटराइज बल्ब का वो ये है कि लाइन को पूरी तरह से क्लोज करना या फिर पूरी तरह से ओपन करना, मतलब कि या तो वो 100% क्लोज करेगा या फिर 100% ओपन करेगा। और जो मोटराइज बल्ब का एक डिज़ाइन है वो ये है कि हम उसे अपने मर्जी से जितना परसेंट चाहे क्लोज करें या जितना मर्जी चाहे उतने परसेंट तक हम उसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन का जवाब दिया। तो एक्चुएटर भी एक मोटराइज बल्ब है जिसे कि हम मोटराइज बल्ब भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है HU के पानी का टेम्परेचर। HU में जो पानी इन करता है और आउट होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मली जो HU में जो सप्लाई आता है, जो हमें रूम के लिए चाहिए, किसी भी रूम के लिए ठंडा पानी ठंडा करने के लिए हमें हवा चाहिए, तो वैसे HU में जो पानी सप्लाई आता है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 7 डिग्री सेल्सियस जो इनलेट होता है, मतलब HU में जो पानी इन करता है, और जो HU से आउट होता है वो 11 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 5% का, मतलब के 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इसमें आ जाता है HU में रन करने के बाद। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कूलिंग वाटर इनलेट आउटलेट टेम्परेचर। मतलब के जो कंडेंसर वाटर है, कंडेंसर वाटर का इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर कितना है? कंडेंसर वाटर को हम इस तरह से लेंगे कि जो कूलिंग टावर जो पानी सप्लाई करता है और जो जब वो कंडेंसर पे इन करता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 29 to 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसे सेल्सियस पे ले तो। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है कंडेंसर के फ्रियोन को कंडेंस करने के लिए। और जब पानी कंडेंसर से वापस आउट होता है तो उसका जो सेल्सियस में अगर हम बात करें तो सेल्सियस में वो 34 to 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो ये कंडेंसर के लिक्विड टेम्परेचर, मतलब कि फ्रियोन का टेम्परेचर नहीं है, ये जो कूलिंग टावर का जो पानी है जो कंडेंसर में इन होता है आउट होता है ये उसका लिविंग टेम्परेचर और रिटर्न टेम्परेचर है। उसके बाद अगर हम बात करें चिल्ड वाटर इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, तो चिल्ड वाटर इनलेट आउटलेट टेम्परेचर जो ये भी पानी का टेम्परेचर है जो कि एवेपोरेटर पानी को रिलीज करता है और जो रिटर्न लेता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका टेम्परेचर नॉर्मली वही 6 या 7 डिग्री सेल्सियस होता है और जो रिटर्न पानी का टेम्परेचर होता है वो 12 से 13 डिग्री तक हो जाता है, क्योंकि जब पानी चिलर से जब वो छोड़ता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो जहाँ भी अगर थोड़ा दूर पे HU भी हो तो वो HU तक पहुँचते पहुँचते
एक डिग्री सेल्सियस तक ही पानी का टेम्परेचर चेंज होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से इंसुलेट किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच क्या होता है। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच का मतलब ये है कि किसी भी दो जगह का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हमें बताया जाए। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच हम पानी के लाइन पे भी यूज़ करते हैं, AHU में भी यूज़ करते हैं और फैन कॉल में भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर आपको ये AHU में ही देखने को मिलेगा और पानी के लाइन में भी देखने को मिल सकता है। पर जब हम उसे AHU में यूज़ करते हैं तो वो PSIG मतलब के पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज के हिसाब से होता है। अगर हम उसे पानी के लाइन पे यूज़ करें तो हो सकता है कि वो किलो पास्कल पे हो या फिर बार पे हो। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक गेज की तरह होता है, जैसे कि हमें फ्रीऑन चार्ज करने का जो गेज होता है उसी तरह का एक गेज होता है, जैसे कि अब इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें दो पॉइंट होता है, जैसे कि AHU का जो रिटर्न लाइन होता है, हवा जहाँ से रिटर्न आता है रूम से, तो रिटर्न आने के बाद वो जो पहला सेक्शन क्रॉस करता है वो होता है फिल्टर सेक्शन। फिल्टर से होते हुए वो ब्लोअर की तरफ आगे बढ़ता है। फिल्टर से पहले रिटर्न एयर लाइन पे और कोई रुकावट नहीं होता है, वो डायरेक्ट रिटर्न डक्ट से होते हुए पहले इन करता है फिल्टर पे और फिल्टर से पास करता है ब्लोअर पे। तो जो रुकावट आता है बीच में वो सिर्फ फिल्टर के द्वारा आता है। तो हमें हम इसको क्या करते हैं, इस गेज को हम फिल्टर का जो बाहर का कवर होता है उस पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें से दो लाइन निकलेगा, एक हाई साइड और एक लो साइड। तो हाई साइड वाला जो पाइप होगा उसे हम कनेक्ट करेंगे फिल्टर से पहले, मतलब कि जो रिटर्न एयर जो आ रहा है उस रिटर्न एयर पे हम एक पाइप को कनेक्ट करेंगे, और जो इसका दूसरा पाइप होगा वो हम फिल्टर के बाद कनेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम गेज में इसका प्रेशर सेट करते हैं 40 PSIG या फिर 20 PSIG, जितना भी हम इसमें सेट करते हैं, तो होगा ये कि जैसे ही इसका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है अगर वो बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ये है कि जो रिटर्न एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा है, और अगर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से जब वो हवा फिल्टर से पास करेगा तो उसका 40 से भी, अगर हम 40 में सेट करते हैं, अगर उसका 40 PSIG से भी ज़्यादा प्रेशर डाउन हो जाए तो वो उसमें जो गेज लगा होगा वो गेज में ये दिखा देगा कि जो इसका प्रेशर है वो सेट पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब कि जो प्रेशर आ रहा है रिटर्न लाइन से उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो कि होना चाहिए, और जो फिल्टर क्रॉस करने के बाद का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से हवा में ज़्यादा ब्लॉकेज आ रही है, जिसकी वजह से जो एयर सर्कुलेशन है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो अभी जो ओल्ड मॉडल होता था उसमें कोई भी कमांड देने के लिए कोई वायर कनेक्शन नहीं होता था, जिससे कि हमें BMS में उसका जो सेट पॉइंट है वो दिख सके। जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें 3 पॉइंट होता है, एक कॉमन, एक NC और एक NO, जो कि अगर कभी भी फिल्टर ज़्यादा गंदा हो जाए और जो डिफरेंशियल प्रेशर है, मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस है इनलेट और आउटलेट का, दोनों में जैसे ही सेट पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कि 40 PSIG अगर सेट किया गया है, अगर दोनों में डिफरेंस 40 PSIG से ज़्यादा आ जाए तो वो कमांड भेजेगा BMS को, जिससे कि हमें BMS में ये पता चल जाएगा कि जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया है। जो प्रेशर आना चाहिए फिल्टर के बाद वो प्रेशर नहीं मिल रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एवोपरेटर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। जो एवोपरेटर में जो शो कर रहा है स्क्रीन पे, एवोपरेटर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये क्या है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि एवोपरेटर में जो फ्रीऑन होता है उसका जो टेम्परेचर होगा वो, मान लीजिए कि अगर जो एवोपरेटर का जो फ्रीऑन है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो पानी चिलर सप्लाई कर रहा है, मतलब कि जो चिल वाटर आउटलेट प्रेशर टेम्परेचर है, मतलब सप्लाई प्रेशर, जो चिल वाटर पानी सप्लाई कर रहा है HU की तरफ में, उसका जो टेम्परेचर होगा वो अगर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 43 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों का जो बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे हम
एवोपोरेटर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं, जैसे कि मतलब कि जो फ्रियोन एवोपोरेटर पे है लिक्विड लाइन से होते हुए एक्सपेंशन वाल्व के बाद जब फ्रियोन एवोपोरेटर पे इन करता है तो उसका जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे। उसके बाद जो सप्लाई टेम्परेचर है मतलब कि जो चिल्ड वाटर सप्लाई है उसका टेम्परेचर हम नोट करेंगे, और दोनों में जो चिल्ड वाटर सप्लाई है उसका टेम्परेचर फ्रियोन के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उससे हम फ्रियोन के टेम्परेचर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जितना बचता है उसमें जो वो होगा वो एवोपोरेटर का स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नीचे साइड में है ये जो चिल्ड फ्रियोन है उसका टेम्परेचर है, और ऊपर में जो लिक्विड है मतलब कि जो पानी है उसका टेम्परेचर है। तो अगर हम दो ऊपर वाले जो चिल वाटर है उसके टेम्परेचर से फ्रियोन के टेम्परेचर को माइनस करते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि जो एवोपोरेटर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है वो उतना निकल जाएगा। तो ये है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। वैसे बाकी जो क्वेश्चन छूट गया है मैं वो क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू।